आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है निर्गमन की पुस्तक चौथा अध्याय वचन 18 से 31। तब मूसा अपने ससुर यित्रो के पास लौटा और उससे कहा, मुझे विदा कर कि मैं मिस्र में रहने वाले अपने भाइयों के पास जाकर देखूं कि वे अब तक जीवित हैं या नहीं। यित्रो ने कहा, कुशल से जा। और यहोवा ने मिद्यान देश में मूसा से कहा, मिस्र को लौट जा, क्योंकि जो मनुष्य तेरे प्राण के प्यासे थे वे सब मर गए हैं। तब मूसा अपनी पत्नी और बेटों को गधे पर चढ़ाकर मिस्र देश की ओर परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिए हुए लौटा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, जब तुम मिस्र में पहुंचे तब ध्यान रहे कि जो चमत्कार मैंने तेरे वश में किए हैं उन सबों को फिरौन को दिखलाना, परंतु मैं उसके मन को हठीला करूंगा और वह मेरी प्रजा को जाने न देगा। और तू फिरौन से कहना, यहोवा यों कहता है कि इसराइल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है, और मैं जो तुझसे कह चुका हूँ कि मेरे पुत्र को जाने दे कि वह मेरी सेवा करे, और तूने अब तक उसे जाने नहीं दिया, इस कारण मैं अब तेरे पुत्र वरन तेरे जेठे को घात करूँगा। तब ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। तब सिप्पोरा ने एक तेज चकमक पत्थर लेकर अपने बेटे की खलड़ी को काट डाला और मूसा के पाँव पर यह कहकर फेंक दिया, निश्चय तू मेरे लिए लहू बहाने वाला मेरा पति है। तब यहोवा ने उसको छोड़ दिया। उस समय खतने के कारण वह बोली, तू लहू बहाने वाला पति है। तब यहोवा ने हारून से कहा, मूसा से भेंट करने को जंगल में जा। वह गया और परमेश्वर के पर्वत पर उससे मिला और उसको चूमा। तब मूसा ने हारून को यह बतलाया कि यहोवा ने क्या क्या बातें कहकर उसको भेजा है और कौन कौन से चिन्ह दिखलाने की आज्ञा उसे दी है। तब मूसा और हारून ने जाकर इसराइलियों के सब पुरनियों को इकट्ठा किया और जितनी बातें यहोवा ने मूसा से कही थी वह सब हारून ने उन्हें सुनाई, और लोगों के सामने वे चिन्ह भी दिखलाए, और लोगों ने उनका विश्वास किया। और यह सुनकर कि यहोवा ने इसराइलियों की सुधि ली और उनके दुखों पर दृष्टि की है, उन्होंने सिर झुकाकर दंडवत किया।